है मेरे दिल में, ऐसी कई बातें जिनके लिए दुआ करना है ऐसा लग रहा है लेकिन हो नहीं पा रहा। लेकिन इन सब बातों को मिलकर मेरे साथ अगर आप खड़े हैं तो आप बैठ जाइए, लेकिन स्क्रीन ऑन या ऑफ अपने दोनों हाथों को उठाकर एक प्रार्थना की मुद्रा में अभी आ जाइए। परमपिता परमेश्वर, हमारी आवश्यकताओं को जो हम बोल रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, समझ रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, क्यों हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कैसा क्यों हो रहा है, इन सवालों के मध्य में प्रभु जी, अकेलेपन के मध्य में प्रभु, निराशा के मध्य में, धन्यवाद के मध्य में प्रभु, हमारे हाथों को उठाकर मिलकर हम कहते हैं आपकी महिमा हमें दिखाइए, आपके वचन की गहराई में हमें ले जाइए, अनुभव करने का मौका हमें दीजिए कि तू भला है, ओ तू दयालु है। इन बातों को समझने के लिए प्रभु तू हमारी सहायता कर। सचमुच तू प्रार्थना का सुनने वाला परमेश्वर है, इस बात का ऐलान आज शाम को हम कर देते हैं। यू आर नॉट जस्ट ए गॉड गॉड हु लिसंस टू प्रेयर, बट यू आर ए प्रेयर आंसरिंग गॉड। तू प्रार्थना का सुनने वाला और प्रार्थना का जवाब देने वाला परमेश्वर, इसलिए मैं तेरा धन्यवाद देते प्रभु। इन विधियों को तेरे सामने हम रखते हैं, हमें प्रभु गहराई पर तू ले चल प्रभु जी। आदर जलाल महिमा आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के अद्भुत और सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमेन और आमेन। एक बार और आपका हम स्वागत करते हैं, और आज शाम को मैं आपके साथ कुछ बातों का मिलकर अध्ययन करना चाहता हूं। उपवास और प्रार्थना, उपवास और प्रार्थना अपन कई दिनों से सुनते हुए आ रहे हैं, और अगर आप मसीह विश्वासी हैं कई सालों से तो आपने कई बार सुना है उपवास उपवास उपवास। लेकिन मेरे दिल में अन्य कई विषयों के समान मेरे दिल में एक हमेशा जिज्ञासा रहती है, आखिर बाइबल इस विषय पर क्या कहती है, क्या सही है, क्या गलत है। और आज शाम को मैं आपके साथ उपवास और प्रार्थना के विषय में एक स्टडी आपके साथ में करना चाहता हूं, और मैं सीखना चाहता हूं कि आखिर उपवास क्या नहीं है, क्योंकि हमने देखा, सीखा, बोला और हमने सुन लिया और हमने, लेकिन वचन के आधार पर क्या उपवास नहीं है और फिर क्या उपवास है, उसके बारे में मैं आपके साथ मिलकर प्रभु के वचन के अंदर मैं सीखना चाहता हूं। आज शाम को यशायाह 58 के अंदर से कुछ आयतें मैं आपके लिए पढ़ूंगा, और मिलकर अगर आपके पास बाइबल है आप जरूर खोलिए। थोड़े समय मनन करने जा रहे हैं, स्टडी के रूप में है, और मेरी यही प्रार्थना है, चूंकि कल से हमने 7 दिन के प्रार्थना और उपवास के 7 दिनों का ऐलान किया है, तो हम अपने आप को तैयार करना चाहते हैं, मैक्सिमाइज करना चाहते हैं। इंग्लिश में एक शब्द मैक्सिमाइज, जो हो रहा है उसका सर्वोत्तम लाभ हमको लेना, आधा अधूरा नहीं। तो यशायाह की पुस्तक 58 अध्याय और उसकी 6 आयत से आगे मैं आपके लिए पढ़ने जा रहा हूं। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं वह क्या यह नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। 7, क्या वह यह नहीं है कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनना पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने आप को न छिपाना। 8, तब तेरा प्रकाश पौ फटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा, तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करते चलेगा। 9, तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा, तू दोहाई देगा और वो कहेगा मैं यहां हूं। यदि तू अंधेर करना और उंगली उठाना और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे, और उसके आगे उसी से जुड़ी हुई जो पहले कही वो बातें आगे लिखी है। मेरा एक सवाल अपने आप से है, आखिर आखिर उपवास और प्रार्थना क्या है, आखिर उपवास और प्रार्थना क्या है। शुरू में मैं आपको एक चीज बता दूं, क्या नहीं है ये अपन देख लेते, उपवास और प्रार्थना क्या नहीं है। ओके, और मैं जस्ट एक सूची आपके लिए डालता हूं, मेरे को हेल्प करता है मेरे स्टडी के अंदर जब मैं सूचीबद्ध कर लेता हूं कामों को, तो उसी प्रकार में मैंने जो अध्ययन किया या मैं जो समझ रहा हूं उसको मैं आपके सामने सौंपना चाहता हूं। और जैसा हमेशा होता है, ये संपूर्ण शिक्षा नहीं है लेकिन डेवलपिंग शिक्षा है, बढ़ती हुई शिक्षा है। ओके, सबसे पहली बात, ये कोई रीति रिवाज ही नहीं है, ये कोई रीति रिवाज ही नहीं है। कुछ लोग शुक्रवार को करते हैं, कुछ लोग संडे सुबह करते हैं, कुछ लोग मंडे करते हैं। देखिए, रीति रिवाज के लिए ही उपवास करना, प्रभु यीशु मसीह ने भी इसके खिलाफ में फरीसियों को डांटा और उनको समझाया, वो आयत अपन आगे देखेंगे। लेकिन मेरे मुझे कहने दीजिए, इट इज नॉट जस्ट अ रिचुअल, लेकिन इसका उल्टा भी आप इसको एक्सट्रीम पर, किसी भी चीज को आप एक्सट्रीम पर लेकर नहीं जा सकते। इसका मतलब क्या हम रिचुअल्स को छोड़ दें, क्या हम रीति रिवाजों को छोड़ दें,
पहला कुरिन्थी का अध्ययन चल रहा है और उसमें एक जगह पर आया पौलुस कहता है, जैसे मैंने तुम्हें कहा जो रीतियां मैंने तुम्हें सौंपी उसको तुम पूरा करो। तो हर रीति रिवाज के नेगेटिव भी है, सकारात्मक बातें भी हैं, पॉजिटिव भी। कुछ रीति रिवाजों को हमको करना ही करना है, करना ही करना है, करना ही करना है, अच्छा लगे या ना लगे। लेकिन कुछ रीतियां हम ऐसे करने लग जाते हैं और उसके अंदर से उसका पर्पस खत्म हो जाता है, उद्देश्य खत्म हो जाता है। ऐसा कभी ना होने पाए। उपवास के लिए भी यही है। रिचुअल मात्र के रूप में, एक रीति रिवाज के रूप में ही, वही ही शब्द हिंदी में जरूरी है, समझना उस बात को। ये कोई रीति रिवाज ही नहीं है, इससे बढ़कर है। आप पूछेंगे तो फिर क्या है, चलिए और भी देखते हैं क्या नहीं। आपकी धार्मिकता को दर्शाने का तरीका नहीं उपवास। आप ऐसा नहीं कह सकते, या पॉल मैथ्यूज ऐसा नहीं कह सकता है, प्रियो अति पवित्र विश्वासियों, आपको जान करके खुशी होगी अभी पॉल मैथ्यूज उपवास करने जा रहा है और इसलिए आप थोड़ा ध्यान देना। ऐसे हम नहीं कह सकते। इट इज नॉट शो ऑफ रिलीजियोसिटी। प्रभु यीशु मसीह ने फटकारा, फरीसियों को फटकारा कि तुम्हारे कामों को दिखाने के लिए करते हो। अगेन एक संतुलन की बात मैं यहां बोलना चाहता हूं। अगर एक तो है कि आप दूसरों को दिखाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी आपको इन चीजों को आप गुप्त में नहीं कर पाते हैं, विशेष करके जब आप समुदाय में घूमते हैं फिरते हैं आप नहीं कर पाते, तो इसलिए एक बैलेंस की जरूरत है। लेकिन मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं, आपकी धार्मिकता को दर्शाने का यह तरीका नहीं। ओके, उसके बाद क्या नहीं है हम देख रहे हैं, प्रभु को कुछ करने के लिए बाध्य करने का तरीका नहीं उपवास। ये बहुत डेंजरस टेरिटरी है। मैं उपवास करने जा रहा हूं, क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कि परमेश्वर मेरे लिए कार्य करे। हमेशा मैं उदाहरण देता हूं, परमेश्वर के हाथ को मोड़कर आ आ आ परमेश्वर कहे बस बस मैं कर रहा हूं कर रहा हूं कर रहा हूं, बस छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, ऐसा करने का उपवास तरीका नहीं। कुछ लोग सोचते हैं आखिर वो भी आगे आएगा, मैं वो नहीं बोलना चाह रहा अभी, बट प्लीज अंडरस्टैंड इट इज नॉट टू फोर्स गॉड टू डू समथिंग। आप चाहते हो कि मेरी मर्जी है कि मैं ये करूं सितंबर महीने में, इसलिए मैं उपवास कर रहा हूं ताकि परमेश्वर को समझ में आ जाए कि पॉल मैथ्यूस ये करना चाहता है, उसको अच्छा लग रहा है इसलिए वो कर रहा है, इसलिए उपवास कर रहा है ताकि परमेश्वर भी मान जाए। प्लीज, आप में से ऐसा कोई नहीं सोचते, लेकिन मुझे जरूरी है अपने आप को याद दिलाना, इसलिए मैं इस बातों को आपसे कह रहा हूं। अगेन, उपवास ही सब कुछ नहीं, उपवास ही सब कुछ नहीं है। उपवास से बोलकर बाजार घूमें अपन, या अन्य कामों में लग जाएं, या बिजी हैं बोलें, या तो फिर अगर उपवास ही सब कुछ नहीं तो आप, मैं इसका उल्टा भी चलिए बोलता जाता हूं ताकि आपको हेल्प हो जाए। उपवास के साथ दुआ में बैठना बहुत जरूरी है, वचन में रहना बहुत जरूरी है। इट इज इंपॉर्टेंट, आप समझिए इस बात को। भूखा घूमना यह परमेश्वर का उद्देश्य नहीं। परमेश्वर प्रसन्न नहीं हो रहा है कि मेरा बेटा अभी भूखा घूमने जा रहा है, देखो कितना कितना अभी पावर निकलेगा उसके मुंह से क्योंकि वो भूखा घूम रहा है। ऐसा नहीं, प्लीज, इट इज नॉट द एंड इन इटसेल्फ। इसके अंदर एक रहस्य है और उसको हमको समझना है, क्या है इसकी सच्चाई, तब जाकर हम इन चीजों को। तो आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं, केवल उपवास का मुख्य उद्देश्य आपको भूखा रखना ही नहीं है, प्लीज आप इसको समझिए। लेकिन भूखा रहना अच्छा है, वो भी अपन देखेंगे अगर समय रहेगा तो। लेकिन आगे अपन चलते हैं। उपवास कितने दिन आपने किया उसकी लंबाई के आधार पर नहीं आपका छुटकारा। ये भी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, कुछ लोग आंकड़ों में अटक जाते हैं, और मैं समझता हूं कि बाइबल के अंदर उसके उदाहरण है, इसलिए एक दिन का उपवास बाइबल में है, 3 दिन का भी उदाहरण बाइबल के अंदर है, 7 दिन का भी उदाहरण बाइबल के अंदर है, बिल्कुल सही बात है, 21 का भी है, 40 का भी है। तो ये फिगर्स हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने 21 दिन किया और आप 40 दिन नहीं कर पाए तो आपकी शक्ति कम है और जिसने 40 किया उसकी शक्ति ज्यादा है, ऐसा नहीं। उपवास की लंबाई पर छुटकारा आधारित नहीं, ये परमेश्वर के अनुग्रह पर आधारित है, आपके समर्पण पर आधारित है, आपके समर्पण पर आधारित। और उपवास में आपने क्या किया, मैंने अगर 40 दिन उपवास किया और 40 दिन उपवास करने के बाद मैं ऑल इंडिया इंटरनेशनल ट्रैवल करता रहा, उदाहरण के लिए मैं अपनी बात बोल रहा हूँ, और मैं ट्रैवल करता रहा और मुझे बाइबल पढ़ने का टाइम नहीं मिला और मैं लोगों की सेवा में लगा रहा, और इसमें भी एक क्षमा करें बीच बीच में डाइवर्ट हो रहा हूं, लोगों की सेवा करना जरूरी है उपवास के अंदर,
लेकिन उससे भी प्रमुख बात है प्रभु की सेवा में बैठना जरूरी है। उपवास करना, उपवास काम को करने से भी ज्यादा परमेश्वर की हुजूरी में बैठना है। इट इज सिटिंग सिटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, एंड ये है उसका मुख्य उद्देश्य। इसलिए लंबाई में मैंने क्या किया, डिंडोरा पीटना नहीं है कि मैंने 3 दिन फास्टिंग किया था या मैंने 7 दिन फास्टिंग किया। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं 3 दिन में काम नहीं होता, मैं अभी इसको बढ़ा रहा हूं, मैं 7 दिन कर रहा हूं, क्यों, ताकि 7 दिन में काम हो जाए। ये कोई ऐसा ऐसा शॉर्टकट नहीं है परमेश्वर से कार्य करवाने का। समझ रहे हैं आप लोग, मैं विश्वास करता हूं आप समझ रहे हैं। ओके, तो ये कुछ चीजें मैंने बोली, एक बार और दोहरा दूं आपके साथ ताकि आपको याद आ जाएगा। रीति रिवाज नहीं है, धार्मिकता को दर्शाने का तरीका नहीं है, प्रभु को कुछ करने के लिए बाध्य करने का तरीका नहीं है। उतना ही नहीं, इट इज नॉट एन एंड इन इटसेल्फ, केवल उपवास कर लिया, मैं उपवास कर रहा हूं ना, नहीं ऐसा नहीं है। उपवास के साथ कुछ चीजों को छोड़ा है आपने, तो उसका लाभ आप पूरा पूरा उठाइए, बहुत जरूरी है। उपवास की लंबाई पर आधारित, उपवास की लंबाई पर आपका छुटकारा संभव है, ऐसा नहीं। सो बट लेट मी कम टू द पर्पस। अब मैं आपको, अगर मैंने आपको 5 क्या नहीं है तो आप सोच रहे होंगे क्या है वो बोलने जा रहा हूं, लेकिन उससे थोड़ा हटकर मैं पर्पस बताने जा रहा हूं। बाइबल के अंदर जो उदाहरण है उसमें से लेकर आखिर उपवास के उद्देश्य क्या क्या थे बाइबल के अंदर, बहुत खूबसूरत तरीके से एक स्टडी है बाइबल के अंदर, अगर आप अध्ययन करें। सबसे पहली बार बाइबल के अंदर, अगर आप अपनी बाइबल जानते हैं और नहीं तो आप ये सुन सकते हैं, सबसे पहली बार मूसा के लिए लिखा है जब वो पर्वत पर परमेश्वर से मिलने के लिए गया। फैसिनेटिंग, वो आएगा और मैं लास्ट में लूंगा उस बिंदु को। परमेश्वर से मुलाकात करने के लिए मूसा पर्वत पर गया, और मैं बोल रहा हूं परमेश्वर से मुलाकात करने के लिए मूसा पर्वत पर गया और वहां पर उसने 40 दिन और 40 रात मानो कंपल्सरी उपवास किया। कंपल्सरी उपवास किया, मैं कंपल्सरी बोल रहा हूं, लेकिन मैं सोचता हूं उसके अंदर एक चाह रही होगी, आई विल क्लाइंब अप द माउंटेन ऑफ गॉड, परमेश्वर के पहाड़ पर मैं चढ़ूंगा, लोगों से दूर, मेरी मेरे मेरी मेरे जिम्मेदारियों से दूर, मेरी मांग से दूर, मेरे मुझे जो पर्पस देती है इस पृथ्वी पर उन चीजों से दूर, मैं परमेश्वर की हुजूरी में प्रवेश करूंगा, ये उसने सोचा। एंड दैट वॉज वेरी 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 फैसिनेटिंग। और ये चीज है, इसका हाइट है उपवास का। लेकिन अपन कुछ उद्देश्य अपन पहले देख लेते हैं। परमेश्वर के हस्तक्षेप को चाहने के लिए बाइबल के अंदर लोगों ने उपवास किया है। आई लव इट, परमेश्वर तू उतर कर आ, तू उतर कर आ, हमारे लिए कार्य कर, हमारे लिए कार्य कर, ये कहने के लिए बाइबल के अंदर लोगों ने उपवास किया। मैं आपके साथ कुछ उदाहरण को मैं आपके लिए देख लेता हूं ताकि मिलकर अपन प्रभु के वचन का आनंद उठा सकेंगे। दूसरा शमूएल के अंदर आई, दूसरा शमूएल के अंदर और उसके 12वें अध्याय के अंदर, सेकंड शमूएल, आप खोल रहे हैं बाइबल ऐसे मैं सोच रहा हूं। ओके, सेकंड शमूएल चैप्टर 12 और उसके 15 आयत से आगे देखिए। चैप्टर 12 15 से 17। अतः दाऊद, ये दाऊद की बात हो रही है, उसका पुत्र जो बैतशीबा से उत्पन्न हुआ था वो मरने पर है। 15 आयत से, तब नातान अपने घर चला गया, जो बच्चा उरिया की पत्नी से दाऊद के द्वारा उत्पन्न हुआ था वह यहोवा का मारा बहुत रोगी हो गया। 16, अतः दाऊद उस लड़के के लिए परमेश्वर से विनती करने लगा। ध्यान से सुनिए, लड़के के लिए परमेश्वर से क्या करने लगा, विनती करने लगा और उपवास किया और भीतर जाकर रात भर भूमि पर पड़ा रहा। तब उसके घराने के पुरनी उठकर उसे भूमि पर से उठाने के लिए उसके पास गए, परंतु उसने न चाहा और उनके संग रोटी न खाई, उनके संग रोटी। सीकिंग गॉड्स इंटरवेंशन, एक मामला आपको घेर रहा है, एक परिस्थिति ने आपको घेर लिया और आप इसके अंदर से बाहर आना चाहते हैं और आपकी ताकत से हो नहीं रहा, आपकी बुद्धि फेल है और आपको लग रहा है कि ओह दिस इज नॉट पॉसिबल, ये हो नहीं रहा, तब आप प्रभु की हुजूरी में जाकर गिरते हैं और आप खुदा से अनुरोध करते हैं, खुदा 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 तू उतर कर इस मसले को अपने हाथ में ले, इस मामले को तू अपने हाथ में ले, तब जाकर ये कार्य, तब जाकर ये कार्य पूरा होगा। एक और बहुत ही फेमस वाकया है, एस्तेर की पुस्तक 4 अध्याय के अंदर, एज़रा नहेमिया एस्तेर, ओके, 4 अध्याय के अंदर, आपको मालूम वो तो नेशन वाइड फास्टिंग था। 4 अध्याय के अंदर 15 और 16 में देखिए,
14 से पढ़ता हूं, बहुत खूबसूरत आयते हैं। एस्तेर 4 अध्याय उसकी 14 आयत, हिंदी बाइबल पूरी बाइबल में पेज नंबर 602। ओके, 4:14, क्योंकि जो तू इस समय चुपचाप रहे, मुर्दकाई इसे कह रहा है एस्तेर से, क्योंकि जो तू इस समय चुपचाप रहे तो किसी न किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा उद्धार हो जाएगा, परंतु तू अपने पिता के घराने समेत क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। आगे, क्या जाने तुझे ऐसे ही कठिन समय के लिए राजपद मिल गया हो। हम यहां रुक जाते, लेकिन आगे देखिए, तब एस्तेर ने मुर्दकै के पास ये कहला भेजा, तू जाकर शूशन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो, मेरे लिए तुम उपवास करो 3 दिन रात, न तो कुछ खाओ और न कुछ पियो। मैं भी अपने सहेलियों समेत उसी रीति उपवास करूंगी और ऐसी दशा में नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी और यदि नष्ट हो गई तो हो गई। तब मर्दकै चला गया और एस्तेर की आज्ञा के अनुसार उसने ऐसा ही किया। फैसिनेटिंग, बहुत पावरफुल। देश के ऊपर बहुत बड़ी विपत्ति आई है, परमेश्वर ने एस्तेर को ऐसे जगह पर रखा है जहां पर वो राजा के मन को प्रभावित कर सकती है, लेकिन बिना अनुमति के राजा के सामने प्रवेश कोई नहीं कर सकता। एस्तेर ने बोला, मेरे लिए प्रार्थना करो, मैं रिस्क ले रही हूं, मैं मरी तो मरी, लेकिन नष्ट हुई तो हुई, लेकिन मैं जा रही, लेकिन जाने से पहले खुदा तू उतर कर आना, तू उतर कर आ, तू उतर कर आ खुदावंत। ऐसी दुआ कर वो बेटी प्रभु की उपस्थित, प्रभु का नाम लेकर राजा के सामने जाती। और आपको मालूम है इतिहास क्या है, जो उनकी हानि के लिए, जो उनके लोगों की हानि के लिए, बर्बादी के लिए जो योजना बनाई थी, वो जिसने हानि की उसी की बर्बादी का कारण बन गया। विश्वास करने वाले हाथ उठा के प्रभु को धन्यवाद दें अपने अपने घरों में। एक और आयत में आपको दूं, भजन संहिता 35 के अंदर आई, Psalm 35 और उसके 13 और 14 में क्या लिखा है भजन संहिता। सो वी आर टॉकिंग व्हाट इज द पर्पस, वन ऑफ द पर्पस, मेन पर्पस मैं नहीं कह सकता, लेकिन 35वें अध्याय में देखिए, 35 Psalm 35:13-14। जब वे रोगी थे तब तो मैं डांट पहने रहा और उपवास कर कर के दुख उठाता रहा। कौन? दाऊद कह रहा है, मेरे मित्रों के लिए जो अब मेरे शत्रु हैं, मैंने उनकी बीमारी के समय पर मैंने उपवास किया। जब वे रोगी थे तो मैं डांट पहने रहा और उपवास कर करके, देखिए कर करके, ये वर्ड आपको ध्यान देना है, आगे भी आएगा, कर करके, एक बार उपवास करके हमको छोड़ना नहीं। इट इज नॉट ए वन टाइम एक्टिविटी अंटिल वी सी अ क्लियर आंसर टू व्हाट वी आर सीकिंग फ्रॉम गॉड। खुदा से जो हम पाने की इच्छा कर रहे हैं, खुदा से जो हम मांग रख रहे हैं नम्रता के साथ, जब तक वो हमें मिल ना जाए, जब तक खुदा का हाथ हमें दिख ना जाए। देखिए दाऊद क्या कहता है, और उपवास कर कर के दुख उठाता रहा और मेरी प्रार्थना का फल मेरी गोदी में लौट आया। मैं ऐसी भावना रखता था कि मानो वे मेरे संगी या भाई हैं। मैं जैसा कोई माता के लिए विलाप करता हो, वैसे ही मैंने शोक का पहरावा पहने हुए सिर झुकाकर शोक किया। उपवास की बात हो रही, आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे उपवास मेरे लिए नहीं, कुछ लोग सोच रहे होंगे आज तक मैंने नहीं किया, करने वाला भी नहीं। शाबाश, लेकिन हम आपको गहराई की ओर लेकर जाना चाहते हैं। 7 दिन के अंदर हम दुआ कर रहे हैं, अगले लेवल पर प्रभु हमें लेकर जा, हमें, मुझे लेकर जा, मेरे परिवार को, मेरी कलीसिया को, मेरे लोगों को, हमें तू अगले पड़ाव पर लेकर जा। ये हम दुआ इन दिनों के, तो ये खुदा के हस्तक्षेप को ढूंढने की बात हो रही है। ओके, इतनी आयतें काफी है, लेकिन हमको आगे जाना, इसलिए अपन आगे चलते। ऑलराइट, दिशा निर्देशन हेतु, लॉर्ड व्हाट शुड आई डू अबाउट दिस मैटर, इस मसले को लेकर मैं क्या करूं, इस धमकी को लेकर मैं क्या करूं, मैं चौराहे पर जीवन के खड़ी हूं, मुझे क्या करना है, आई डोंट नो, मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं क्या करूं। तो आप उपवास का सहारा ले सकते हैं, ऐसा मैं कह सकता हूं, उपवास का सहारा आप ले सकते हैं। न्यायों की पुस्तक के अंदर अगर आप आए, न्यायों की पुस्तक 20 अध्याय, जोशुआ, जजेस, रूत, 20 अध्याय, ओके, और उसकी 20 अध्याय उसकी 26-28 आए, देखिए 26-28, पेज नंबर 320 पुराने नियम के अंदर, 26 से 28। तब सब इसराइली वरन सब लोग बेतेल को गए,
और रोते हुए यहोवा के सामने बैठे रहे और उस दिन सांझ तक उपवास किया और यहोवा को होम बलि और मेल बलि चढ़ाए और इसराइलियों ने यहोवा से सलाह ली। पवित्र आत्मा प्रभु ये काले अक्षरों के समान हमारे किताब में प्रभु न रहने पा, ये जीवित वचन जिंदा प्रभु वचन हमारे मगज के अंदर, हमारे जीवन के अंदर, हमारे शब्दों के अंदर, हमारे आंखों के अंदर तेरा वचन उतर जाने पाए। नासरी यीशु के अद्भुत नाम से हमारा सूखापन जाते रहने पाए। हमारे रीति रिवाजों के अंदर प्रभु तेरा वचन प्रवेश कर उथल पुथल मचाने पाए। एक भूकंप हमारे आत्मिक जीवन के अंदर आने पाए और उस भूकंप के अंदर जो गिरना है वो गिर जाए और जो स्थापित रहना वह स्थापित हो जाए। यीशु मसीह के अद्भुत नाम से प्रभु एक क्रांति की घोषणा करते हैं, आत्मिकता की क्रांति की घोषणा करते हैं, वो मेरे अंदर शुरू होने पाए। तेरे वचन से अगाध प्रेम, तेरी उपस्थिति के लिए प्रभु जी एक बेरुखापन जो मैं प्रभु ढूंढूं, ऐसा तू हमारे लिए कर राजाओं के राजा। और इसराइलियों ने 27 आयत पढ़ रहा हूं, 320 पेज नंबर 20वां अध्याय न्यायों की पुस्तक। और इसराइलियों ने यहोवा से सलाह ली, उस समय परमेश्वर का वाचा का संदूक वहीं था और पिनहास जो हारून का पोता और एलियाजर का पुत्र था उन दिनों में उसके सामने हाजिर रहा करता था। और उन्होंने पूछा, क्या हम एक और बार अपने भाई बिन्यामीन से लड़ने को निकले, उनको छोड़ दे? यहोवा ने कहा, यहोवा ने कहा। आई लव दिस, यहोवा ने कहा। कितना अद्भुत होगा पास्टर बिजू, पास्टर बेंजामिन, अनमांटी, अगर आप ये कह सके मैं प्रभु के सामने बैठा था तब प्रभु ने मुझसे कहा, प्रभु ने मुझसे कहा। ओह दैट योर पीपल ऑफ गॉड वुड हियर योर वर्ड लॉर्ड, तेरे वचन को तेरे लोग सुन सके प्रभु। संदेश और भाषण नहीं प्रभु, यहोवा की वाणी दबार, यहोवा का कैरोस वचन, यहोवा का लोगोस ही नहीं प्रभु, रीमा वचन लोगों को मिल पाए। आश्रय यीशु के नाम से रमाना खादला रमसा खादा, उसका वचन चट्टानों को तोड़ता है, उसका वचन परिस्थितियों को बदलता है, उसका वचन जीवन लेकर आता है। दिशा निर्देशन की, दिशा निर्देशन की बात हो रही है। एक और आयत मैं आपको देता हूं, ओके व्यवस्था विवरण 9:9 दिन में आई, मूसा के लिए लिखा है वहां पर व्यवस्था के 9:9 में, प्रभु से 10 आज्ञाएं पाने से पहले उसने अपने आप को मानो तैयारी के अंदर ये किया। और ये बात मैंने बोला आपको, लेकिन एक दूसरे कॉन्टेक्स्ट में यहां पर लिखा है 9:9 में, जब मैं उस वाचा के पत्थर की पट्टियों को जो यहोवा ने तुमसे बांधी थी लेने के लिए पर्वत के ऊपर चढ़ गया, तब 40 दिन और 40 रात पर्वत ही के ऊपर रहा और मैंने न तो रोटी खाई और न रोटी पी। मूसा को कोई इंफॉर्मेशन नहीं था कि उसको 10 आज्ञा मिलने जा रही, वो खुदा के सामने बैठने गया था, वो खुदा से कुछ पूछने गया था, वो खुदा से कहने गया था प्रभु कब तक हम ऐसे घूमते रहेंगे, प्रभु इन 6 लाख लोगों का क्या होगा, आगे कैसे होगा, प्रभु आप बताइए, मेरी भी ताकत घटती जा रही है, लोगों की डिमांड बढ़ती जा रही है, मेरी शक्ति क्षीण होती जा रही है, तो बता, ये पूछने के लिए गया होगा। तब परमेश्वर ने पर्वत पर उसको ये 10 आज्ञाएं दी। ये कह रहा है मूसा कि मैंने रोटी नहीं खाई लेकिन मैं प्रभु के सामने बैठा रहा और परमेश्वर ने मुझसे परमेश्वर ने बातें करी, ऐसा वो कहता है। दानिय्येल की पुस्तक के अंदर आइए, एक और आयत मैं आपको देता हूं, दानिय्येल की पुस्तक 9 अध्याय। और हम अलग अलग जगहों से क्यों इन चीजों को सीख रहे हैं, बिब्लिकल थियोलॉजी बोलते हैं, मतलब शुरू से लेकर अंत तक बाइबल एक विषय के बारे में क्या बोलती है, एक विषय के बारे में क्या बोलती है, उसको हमको सीखना जरूरी है। समझ रहे हैं आप इस बात को? एक ही आयत को लेकर हमारे बाइबल ज्ञान को, ये हमारे थियोलॉजी को हम डेवलप नहीं कर सकते कि यहां तो ऐसा लिखा था इसलिए मैंने ऐसा कर दिया, ऐसा नहीं। शुरू से लेकर और अंत तक बाइबल एक विषय में क्या कहती है उसको सीखिए, तब जाकर उसका संपूर्णता मुझे और आपको मिलेगा। उसके अंदर सबसे पहली बार उस चीज का वर्णन कहां मिलता है, उसकी बहुत बड़ी अहमियत है, बहुत बड़ी एक इंपॉर्टेंस है कि पहली बार इस चीज को मेंशन कहां किया गया बाइबल के अंदर, तब से आप उसको ट्रैक कर सकते हैं और ट्रेस कर सकते हैं। लेकिन यहां पर आइए, दानिय्येल के पुस्तक 9 अध्याय के अंदर दानिय्येल प्रार्थना कर रहा है। क्या प्रार्थना करेगा हम अभी देखने जा रहे हैं, और उसके 1, 2 और 3 में देखिए, 3 आयत में पढ़ता हूं, राजाओं के नाम है उसको स्किप करते हुए, 9:3, तब मैं अपना मुख पर प्रभु परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा।
और उपवास कर टाट पहन राख में बैठकर वरदान मांगने लगा। शारा बोला सीधा बाबा, पुराने नियम के अंदर टाट पहनते थे, बोरा बोरा पहनते थे, और बोरा पहनकर सिर पर राख डालते थे अपने विलाप को दर्शाने के। एक कोने पर बैठकर किसी कोने में राख पर सिर पर डालकर ये बोरे के कपड़े पहनकर विलाप को दर्शाने के लिए वो लोग बैठा करते थे। यहां पर ये कर रहा है, और हुआ क्यों, चलते 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 उनके दिल के अंदर कोई टूटापन नहीं था, लेकिन लोग बोरे पर बैठ बोरा पहनकर बैठकर राख डालकर दुआ करते थे। तब जाके प्रभु यीशु मसीह ने उनको डांट लगाई, तुम ऐसे क्यों कर रहे, तुम दुआ तो कर नहीं रहे लेकिन दिखावा कर रहे तुम लोग। लेकिन दानिय्येल ऐसा नहीं कर रहा है। तब मैंने, मेरे साथ पढ़ी ना, तब मैं एक एक आयत, कितनी पावरफुल वचन है, तब मैं अपना मुख प्रभु परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा और उपवास कर टाट पहन राख में बैठकर वरदान मांगने लगा। वरदान, प्रभु आप बताओ क्या हो रहा है, राजा बदल रहे हैं, लेकिन मुझे क्या करना है आप बताओ, मुझे क्या करना है आप बताओ, प्रभु मुझे क्या करना है आप बताओ। 10:1 में लिखा है, दानियल के 10:1 में, पारस देश के राजा कुसरू के राज्य के तीसरे वर्ष में दानियल पर, जो बेलतशस्सर भी कहलाता है, एक बात प्रकट की गई। वो उपवास में बैठा था और उसको एक बात प्रकट की गई, वह बात सच थी कि एक बड़ा युद्ध होगा। उसने इस बात को जान लिया और उसको ये देखी हुई बात समझ आ गई। समझ आ गई, इससे ज्यादा क्या हम बोले, खुदा का वचन इसी नाम से बात कर रहा है। इसलिए तो दो बातें हमने देख ली, एक परमेश्वर को हस्तक्षेप को चाहने के लिए उपवास किया जाए और जाता है या जाना चाहिए, नंबर दो दिशा निर्देशन है, तो प्रभु मुझे क्या करना है, कैसे करना है आप बताइए, ये करूं कि नहीं करूं, अप्लाई करूं कि नहीं करूं। इट्स टाइम वी सॉट गॉड नॉट मैन, मनुष्य नहीं लेकिन प्रभु को खोजने और ढूंढने की जरूरत। नंबर तीन, तीसरा उद्देश्य, पश्चातापी हृदय के सूचक के रूप में बाइबल के अंदर उपवास को दर्शाया गया। ओके, कि मैं पश्चाताप कर रहा हूं और सच्चा पश्चाताप मैं कर रहा हूं। अगेन आप समझ रहे हैं, इस बात को पाखंडी उपवास की बात नहीं हो रही है, मन फिराव का उपवास है ये, जो आप कह रहे हैं प्रभु आई डिड रॉन्ग, मैंने गलत किया, आई शुड नॉट, ये कैसे मेरे से हो गया, ये मुझे नहीं करना था। जब आप ऐसा सोचते हैं आप प्रभु के सामने गिरते हैं और पश्चाताप को दर्शाने के लिए आप प्रभु से प्रार्थना करते हैं। पहला शमूएल के अंदर आई 7वें अध्याय के अंदर आपको एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ, 1 Samuel chapter 7 पेज नंबर 336 आप देखिए, उसकी 5 और 6 आयत देखिए, पहला शमूएल 7:5-6। फिर शमूएल ने कहा, सब इसराइलियों को मिस्पा में इकट्ठा करो और मैं तुम्हारे लिए यहोवा से प्रार्थना करूंगा। मध्यस्थता प्रार्थना की बात हो रही, मैं तुम्हारे लिए यहोवा से प्रार्थना करूंगा। तब वे मिस्पा में इकट्ठे हुए और जल भर के यहोवा के सामने उंडेल दिया और उस दिन उपवास किया और वहां कहने लगे, हमने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। और शमूएल ने मिस्पा में इसराइलियों का न्याय किया। टू डिनोट रिपेंटेंस, एक और शब्द यूज करते हैं पेनिटेंस, मतलब प्रभु मैंने गलती करी, मैंने गलती करी। हाँ, किसी से मैं बात कर रहा था, मैंने इस प्रकार कहा, आप बात को लेकर पश्चाताप है कि नहीं, मेरे पास कोई मीटर नहीं है कि मैं आपको देखकर बोल सकूं या आप मेरे को आकर बोल सको कि मैंने इस मसले को लेकर पश्चाताप कर लिया। पास्टर्स के पास ये मीटर नहीं है कि आपको लगा लिया बीपी देखने के समान, इस मसले को लेकर पश्चाताप कर लिया तो इनको वापस ले लो, नहीं है तो इनको बाहर निकाल दो, ऐसा नहीं कर सकते। तो फिर इसकी सच्चाई और इसकी गरिमा को जानते हुए प्रभु के सामने उपवास के साथ बैठने वालों से आज प्रभु का आत्मा कहता है, इट इज इंपॉर्टेंट दैट वी रिपेंट विद फास्टिंग टू कम बैक टू गॉड, खुदा की ओर लौट आने के लिए, खुदा की ओर लौट आने के लिए हमें पश्चाताप के साथ साथ उपवास करने की भी जरूरत है, ताकि हमारे दिल को, हमारे शरीर को, हमारे मन को मालूम पड़े कि हम सचमुच प्रभु के सामने गिर रहे हैं, नम्रता के साथ गिर रहे हैं। नहमिया की पुस्तक में आइए, 9वां अध्याय, और वहां पर नहमिया, उसने पहले अध्याय में भी उपवास किया था अद्भुत तरीके से, और उसका मन इतना, मुंह इतना उदास हो गया था कि उसके एम्प्लॉयर ने उसको देखकर पूछे, क्या बात है, आज मूड ऑफ क्यों है आपका, आप ऐसे तो रहते नहीं। तब उसने अपने दिल की बात उससे बताई और प्रभु ने उसको बड़े छुटकारे के लिए वहां पर इस्तेमाल किया था। लेकिन पेज नंबर 589
नव अध्याय की 1, 2 और 3 आयत में आपके लिए पढ़ता हूं, नहमिया 9:1-3। फिर उसी महीने के 24वें दिन को इजरायली उपवास का टाट पहने, वापस आ गया उपवास का टाट पहने, ओके उपवास का टाट पहने और सिर पर धूल डाले हुए इकट्ठे हो गए। तब इजरायल के वंश के लोग सब अन्य जाति लोगों से अलग हो गए और खड़े होकर अपने अपने पापों और अपने पुरखाओं के अधर्मों के काम को मान लिया। तब उन्होंने अपने अपने स्थान पर खड़े होकर दिन के 1 पहर तक, मतलब 3 घंटे तक अपने परमेश्वर यहोवा की पुस्तक पढ़ते और 1 पहर अपने पापों को मानते और अपने परमेश्वर यहोवा को वे क्या करते रहे, दंडवत करते रहे। वेरी सिंपल फॉर्मूला आप देख रहे हैं ना। आपको अगर लग रहा है उपवास में मुझे क्या करना चाहिए, ये सारी चीजें इन आयतें आपको खोलकर दे रही है। इट इज टेलिंग अस, उन्होंने अपने अपने स्थान पर, उन शब्दों पर आप गौर करिए, अपने अपने पापों के लिए और अपने अपने पुरखाओं के द्वारा जो पाप आए उसको लेकर उन्होंने प्रभु के सामने पश्चाताप किया। और पश्चाताप केवल शब्दों से नहीं, प्रभु हम माफी मांगते हैं तो मेरे पाप को क्षमा कर दे, हालेलुया, और प्रभु मीटिंग खत्म हो रही है इसलिए मेरे को प्रेयर करना है, ऐसा ऐसा नहीं, उपवास के साथ और खड़े रहे। लिखा है एक पहर वचन पढ़ा, 1 पहर अपने पापों का पश्चाताप किया और उसके बाद और यहोवा को वे लोग दंडवत करते रहे। सो एक सवाल मैं आपसे पूछ लूं, आपके लिए अपने आप से पूछ लूं, तो क्या मैं उपवास कर रहा हूं तो पश्चाताप का मतलब, अगर मैं उपवास कर लूं तो पश्चाताप अपने आप हो जाएगा क्या? नहीं, हमने पहले कहा इट इज नॉट द एंड इन इटसेल्फ। पश्चाताप करना है तो उपवास के साथ साथ प्रभु के वचन को पढ़ना है, मानना है, आपका दिल टूटना है, दिल टूटना, सच्चा पश्चाताप दिल टूटने के प्रभाव को लेकर आएगा और उससे भी बढ़कर कभी आपको पीछे उस पाप की ओर ना लौटने के लिए मजबूर करेगा सच्चा पश्चाताप। मेरे शब्द समझ रहे होंगे ऐसे मैं अनुमान लगा रहा हूं। रियल रिपेंटेंस विल अलाउ यू नेवर, विल फोर्स यू नेवर टू गो बैक टू दैट सिन, उस पाप की ओर। शत्रु कितना भी फंदा डाले, कितना भी वो प्रयास करे, आपको वहां पर जाने नहीं देगा क्योंकि आपने सच्चा पश्चाताप विश्वास के साथ और उपवास के साथ आपने किया है। ओके, समर्पण और गंभीरता को दर्शाने के लिए भी, समर्पण और गंभीरता को भी दर्शाने के लिए आप उपवास कर सकते हैं। क्या बोल रहा हूं मैं इसमें, मैं ये कहना मांग रहा हूं जब हम परमेश्वर के सामने आते हैं, प्रभु मैं सच में चाहता हूं कि आप ये इस कार्य को करें, आप इस कार्य को करें, तब आप परमेश्वर के सामने गिर कर उपवास कर आपके समर्पण को आप दिखा सकते हैं, आप क्या चाह रहे हैं परमेश्वर से उसको आप कर सकते हैं। आज की तारीख में बीच में मैं बोल दूं, लास्ट में अगर बोल नहीं पाऊं तो, आपको मेडिकली बहुत ध्यान देने की जरूरत है, आपको मेडिकली अगर आप दवाइयों पर है प्लीज आपको बहुत केयरफुली, ऐसे आजकल सजेस्ट करते हैं मेडिकल एडवाइस के बाद ही आप उपवास करें, ऐसा भी सजेस्ट किया जाता है, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं आपको उस ग्लानी में जाने की जरूरत नहीं कि अभी मेरा उम्र निकल गया मैं फास्टिंग नहीं कर सकता या मुझे भूख लगती है मैं दवाई लेता, डोंट वरी अबाउट दोस थिंग्स, क्योंकि सच्चा उपवास आपके मन से जुड़ा हुआ है। सच्चा उपवास भोजन को ही छोड़ना नहीं, जैसे मैं कई बार संडे को कहता हूं, उन चीजों को छोड़ना जो आपके समय को खाती है ताकि आप उन चीजों को करें जो प्रभु को भाती है। यह है उपवास, उन चीजों को छोड़ना, मैं बोलते बोलते फिर से बोल रहा हूं, मैं उन चीजों को छोड़ना जो आपके समय को खाती ताकि आप वो काम करें जो प्रभु को भाते हैं। टीवी हो गया, अखबार हो गया, आदतें हो गई, भोजन तो है ही है, हैं एक्सेसिव भोजन भी है। आपको मालूम ऐसे भी कई लोग सजेस्ट करते हैं, उसके नाम भी उपवास, अलग अलग प्रकार के उपवासों के भी नाम, उसमें से एक नाम आजकल ऐसे बोलते हैं डैनियल फास्ट, मतलब दानियल ने अपने मित्रों के साथ भोजन किया लेकिन उसने जो उसके सामने शाही भोजन रखा गया उसने, मतलब उसने नॉनवेज अवॉइड किया लेकिन उसने भोजन किया, लेकिन उसने ऐसा कर अपने मित्रों से भी बढ़कर प्रभु के अनुग्रह और प्रीति का वो पात्र बना। ओके,
पार्शियल फास्ट अपन कर सकते हैं, कंप्लीट फास्ट अपन कर सकते हैं, अलग अलग वेराइटी ऑफ फास्ट है, लेकिन उससे भी बढ़कर आप वो चीज ढूंढिए, लॉर्ड व्हाट इज ईटिंग अप माय टाइम, मेरे समय को क्या खींच रही है बात, क्या खींच, क्या बात, या आपका खुद का तनाव होगा, आपका खुद का बैठकर खिड़की पर देखते देखते अपना अपने अपने चिंताओं के लिस्ट को बढ़ाना होगा। आप बोलिए मुझे आई वॉन्ट टू गिव यू टाइम, मुझे आपको समय देना है, और यही उस सच्चा उपवास। तो हम क्या बात कर रहे हैं, समर्पण और गंभीरता को दर्शाने के लिए आप उपवास कर सकते हैं। ओके, मैं आपको प्रेरित के काम 23 अध्याय एक ही आयत में आपको देकर उसका उदाहरण में आपको देता हूं, 23 अध्याय, और वहां पर एक्चुअली एक हमारे लिए एक नेगेटिव एग्जाम्पल है, लेकिन हम उसमें से सीख सकते हैं। 23 अध्याय की 12 और 13 में लिखा है, पौलुस को मारने के लिए, पौलुस को मारने के लिए कुछ लोगों ने एक प्रण लिया, और उन्होंने बोला हम खाएंगे पिएंगे नहीं जब तक हम ये काम कर न ले। आपको वाक्य याद है, फिर भी मैं पढ़ रहा हूं, प्रेरितों के काम 23 अध्याय 12, जब दिन हुआ तो यहूदियों ने षड्यंत्र रचा और शपथ खाई कि जब तक हम पौलुस को मार न डालें तब तक खाएं या पिए तो हम पर धिक्कार। जिन्होंने आपस में शपथ खाई थी वे 40 जन से अधिक थे, दे वर 40 पीपल। 40 लोगों ने निर्णय किया, समर्पण किया, और गंभीरता को दिखाने के लिए वी आर सोल्ड आउट, वी वांट टू डू दिस, हम ये काम करना चाहते हैं। अगर आप उनमें से हैं जो कहते हैं मैं कुछ शुरू करता हूं और उसको मैं पूरा नहीं कर पाता हूं, तो मैं आपको कहना चाहता हूं आपको उपवास करने की जरूरत है। अगर आप क्यों, क्योंकि आपको फोकस प्रभु के वचन के अंदर से पवित्र आत्मा की शक्ति के फोकस को प्राप्त करने के लिए आपको उपवास करने की जरूरत है। और अगेन, जब मैं उपवास कह रहा हूं, केवल भोजन का ही नहीं, हर चीज जो आपको प्रभु से दूर करती है उसको आप काटिए छाटिए और प्रभु को समय दीजिए, वही आपको करना है। और ये बात आप समझ रहे हैं, समय अनुमान लगा रहा हूं, बार बार ये बात बोल रहा हूं ताकि आप केयरफुल इस चीज को समझें, ये मेरे दिल की तमन्ना है। ओके, नॉट जस्ट टू शो रिपेंटेंस, केवल पश्चाताप को दिखाने के लिए नहीं, लेकिन आप प्रार्थना कर रहे हैं और अपनी गंभीरता को दिखाने के, प्रभु मैं तुला हुआ हूं, ये मुझे चाहिए, आपकी मर्जी इस मसले पर मुझे देखना है, आई वॉन्ट टू सी अ ब्रेक थ्रू, प्रेयर का लैंग्वेज है ब्रेक थ्रू, प्रभु मुझे एक रुकावट भेदन देखना है इस मसले के अंदर, प्रभु दीवारों को गिरते हुए देखना है, समुद्र दो भाग होते हुए देखना है, मुझे ये जवाब देखना ही है। जब आप ऐसे समर्पण और ऐसे गंभीरता को दिखा रहे हैं, आप उपवास कर सकते हैं और कहते हैं ओके लॉर्ड आई एम गोइंग टू डू दिस, मैं ये करूंगी ताकि मैं आपके उद्देश्यों की पूर्ति को मैं पूरा कर सकूं। लेकिन मैंने शुरू में बोला, अब मैं अंत में आते आते ये चीज आपके लिए रख ही देता हूं, एंड दिस इज वॉट आई वॉन्ट टू, मेरे से अगर आप पूछें, खुदा की उपस्थिति को, खुदा के चेहरे को जानबूझकर खोजने के लिए मैं उपवास करना चाहता हूं, आई वॉन्ट सो दैट आई कैन सी गॉड्स फेस, परमेश्वर की हुजूरी, परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर के चेहरे को देखने के लिए, चेहरे को देखने के लिए मैं समय निकालना चाहता हूं। और ये जैसे मैंने बोला, फर्स्ट इंस्टेंस इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट, पहला वाक्या जो आता है वो जरूरी है। और बाइबल के अंदर मैंने आपको बताया, मूसा ने पर्वत पर चढ़कर उसको पट्टी मिलेगी, 10 आज्ञाएं मिलेगी, ऐसा थोड़ी ना बोला था प्रभु, उसको तो इतने बोला ऊपर आओ, आपसे मिलना है, आपसे बात करना है, कितने दिन के लिए बात करना है ये भी नहीं बोला। मुझे बहुत पसंद है प्रेरितों के काम के अंदर प्रभु यीशु ने बोला, जब तक तुम्हें पवित्र आत्मा न मिले तब तक तुम बैठ जाओ दुआ। हम जैसे लोग होते तो बोलेंगे कितना दिन का प्रेयर है, टाइम क्या रहेगा, और मुझे आना है कि नहीं आना है ये बता दो। हमारे पास कंडीशन है, हमारे कैसे भी हम एस्केप करना चाहते हैं, लेकिन वहां पर लिखा है जब तक, कब तक, जब तक बस। अरे सर कुछ तो बोलो आप, कब तक, जब तक, मजाक मत करो आप, बोलो तो सही कितने दिन का, जब तक तुम्हें जवाब न मिल जाए, जब तक तुम्हें खुदा का चेहरा न दिख जाए, जब तक खुदा का नूर तुम पर चमक न जाए, खुदा के सामने बैठे रहने वाले एक समूह को प्रभु इन दिनों के अंदर चाहता है। इसी 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 दर्द से, इसी 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 भावनाओं से ओतप्रोत होकर प्रभु ने वो गीत दिया था, तुझसे मांगने ही नहीं, तुझसे लेने ही नहीं, हम यहां पर आए हैं, तेरे हाथ को नहीं, तेरे चेहरे को ही हम निहारने आए। दिस इज द लॉन्गिंग,
दिस इज द लॉन्गिंग ऑफ द हार्ट ऑफ द फादर। परमेश्वर की भी मनसा यह है कि उसके बच्चे उसके साथ बैठे, उसके बच्चे उसके साथ बैठे, उसके साथ बैठे। प्रभु यीशु मसीह ने मरकुस 3 के अंदर क्या किया शिष्यों को अपॉइंट करने से पहले, मैं पढ़ लूं आपके लिए, 3:13 में लिखा है, मरकुस 3:13 में, फिर वो पहाड़ पर चढ़ गया और जिन्हें वह चाहता था उन्हें अपने पास बुलाया और वे उसके पास आए। वे उसके पास आए, ऐसा लिखा है, वे उसके पास आए। फिर लिखा है तब उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया और फिर लिखा कि सबसे पहले बात कि वे उसके साथ रहें, कि वे उसके साथ रहें और वह उन्हें भेजे कि वे प्रचार करें। आज हम क्या बोलते हैं, प्रभु आप बताओ आपके लिए क्या करना है, लॉर्ड जस्ट टेल अस, आप बता दो आपके लिए क्या करना है, आप बता दो आपके लिए क्या करना है। हम तैयार हैं, हम दुआ करना है, फास्टिंग करना है, तैयार है, 7 दिन करना है, 10 दिन करना, आप बोलो प्रभु हम तैयार। प्रभु बोलता है मैं तुम्हें काम देने के लिए नहीं, संगति के लिए मैंने तुम्हें बनाया। आदम और हवा को प्रभु ने बनाया क्यों? कल हम फैमिली की बात कर रहे थे, बाय द वे वी वांट टू थैंक गॉड फॉर 3 डेज, 3 दिन प्रभु ने हमें परिवार, आत्मिक परिवार, मसीह केंद्रित परिवार के बारे में शिक्षा दिया, इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। देखो बीमार होने के बाद ही दवाई लेना जरूरी नहीं, बीमार होने से पहले भी अपन दवाई ले सकते हैं। बुद्धिमान लोग हैं जो बीमारी से पहले दवाई ले ले। तो परिवार को कैसे चलाना, बिगड़ने के बाद डूबती नैया को इनके का सहारे वाले उपस्थिति आने से पहले हमको प्रभु ऐसे वचन सिखाता है ताकि हम हमारे परिवारों को सुचारू रूप से चला कर। 3 दिन की सभाओं के लिए मैं प्रभु का आपके साथ मिलकर धन्यवाद देना चाहता हूँ, हाथ उठाकर मैं प्रभु को उन सभाओं के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। लेकिन आज रात को प्रभु मुझसे और आपसे क्या बात कर रहा है, प्रभु कह रहा है कि मैंने तुम्हें संगति के लिए बनाया। परमेश्वर ने मुझे और आपको, ही लॉन्ग्स, ही इज ए गॉड हु ड्वेल्स इन कम्युनिटी, समुदाय के अंदर रहने वाला परमेश्वर है और वो समुदाय को चाहता है, इसलिए उसने आदम और हव्वा को बनाया। काम करने के लिए नहीं बनाया, उसको मजदूर चाहिए थे अदन की वाटिका में फल तोड़ने के लिए और गोबर डालने के लिए, इसलिए उसने आदम और हव्वा को नहीं बनाया। उसने आदम और हव्वा को बनाया कि वो उनके साथ टहल सके, उनके साथ संगति कर सके। मेरे प्रियो, मेरे प्रियो, मेरे प्रियो, आप समझिए आज रात प्रार्थना का उद्देश्य, उपवास का उद्देश्य, इन अगले 7 दिनों के अंदर जो हम प्रभु के सामने बैठना चाहते हैं, उसका मूल उद्देश्य यह है कि हम प्रभु की संगति में रह सके, प्रभु की संगति में रह सके। मेरा अनुरोध है आपसे, अगर हो सके आपके दौड़ा भागी थोड़ा आप कम करिए, आप बहुत व्यस्त है मुझे मालूम है, लेकिन थोड़ा आप कम कर वो समय आप प्रभु के चरणों पर आप दीजिए। थोड़ा जल्दी आप उठिए और आप प्रभु को वो समय दीजिए। थोड़ा लेट सोए मैं नहीं बोलना चाहता, आप जल्दी उठिए और प्रभु को वह समय आप दीजिए। आपके दिल को सुकून मिलने लगे कि आप प्रभु की हुजूरी में बैठे हैं। ओ टू बी इन द कंपनी ऑफ गॉड हिमसेल्फ, खुदा की उपस्थिति में बैठने का आनंद। मेरे प्रियो, दुआ करने का ही नहीं, दुआ के जवाब को प्राप्त करने का ही नहीं, चमत्कार और छुटकारे का ही नहीं, वो तो होगा, अरे मैं और आप राजा की उपस्थिति में बैठे, राजा की उपस्थिति में बैठे तो छोटी छोटी बातें क्या निपटेंगी? नहीं क्या? राजा आदेश नहीं देगा क्या? क्योंकि राजा खुद आप बुला रहा है। आप भी राजा के सामने नहीं जा रहे, भी कर राजा के सामने तो आपको फिर काम होने के बाद निकलना पड़ेगा, लेकिन द किंग इज इनवाइटिंग यू, राजा आपको बुला रहा है, आपका परमेश्वर आपको बुला रहा है, कम कम मेरे साथ बैठो, थोड़ा बाइबल ज्यादा पढ़ो, थोड़ा दुआ और करो, थोड़ा विश्वास और करो, कड़वाहट थोड़ी और निकाल दो, अपनी जुबान ने प्रभु की महिमा को उतारो, विश्वास की मात्रा को बढ़ाओ, नकारात्मक बातों को छोड़ दो, जो आज तक नहीं देखा उसका बयान करना छोड़ दो और जो देखने जा रहे हो उन बातों का बयान करना शुरू करो। शुरू करो आपके स्वास्थ्य को लेकर, आपके भविष्य को लेकर, आपके रिटायरमेंट को लेकर, आपके बच्चों को लेकर, आपके आने वाले दिनों को लेकर, प्रभु के वचन को लेकर, स्टार्ट डिक्लेयरिंग एंड बिलीविंग एंड प्रोक्लेमिंग एंड दिस इज व्हाट गॉड वांट्स। ये प्रभु मुझसे और आपसे चाहता है। सच्चा उपवास क्या है? परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना, छुटकारों के लिए अपेक्षा करना, प्रभु से वरदानों को मांगना, परमेश्वर से दिशा निर्देश को मांगना, पश्चाताप को दर्शाना, उतना ही नहीं समर्पण को और हमारी गंभीरता को, अपने आप को, जमाने को क्या दिखाना, हमको जमाने को क्या दिखाना, हमको अपने दिल को एक सुकून मिलना चाहिए। मेरी ये प्रार्थना अगले 7 दिन, यू
विल बिकम टोटली डिससैटिस्फाइड विथ योर लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी। ये मैं दुआ करूंगा आपके लिए कि आप अगले 7 दिन में आपके आत्मिक जीवन को लेकर बेचैन हो जाए, कि जब बेचैन हो जाओगे तब जाकर आप खुदा को ढूंढोगे और वो बोलोगे प्रभु दिस इज नॉट इनफ, ये काफी नहीं, ये दुआ का लेवल काफी नहीं, मैं कैसे हरकतें कर रहा हूँ प्रभु, प्रभु कैसे कैसे हरकतें कर रहा हूँ। पास्टर आनंद लिख रहे हैं वो केवल गॉस्पल सेंटर में मिल सकता है। आनंद सर गॉस्पल सेंटर खुला हुआ है लेकिन आपके घर में भी वही उपस्थिति आ सकती है, ऐसा हम कहना चाहते हैं। लेकिन आप पुरानी बातों को याद दिला रहे हो इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, लेकिन आगे जा रही है और आगे जाएगी इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देना चाहते हैं। हालेलुया, आइए अपन मिलकर प्रार्थना करें, प्रभु को धन्यवाद दें। ये शिक्षा शिक्षा ना रहे, ये वचन केवल कानों तक ना रहे, आपके दिल के अंदर परकुलेट करें, दिल के अंदर उतरे, दिल के अंदर उतरे, उतरने दीजिए इसको। क्या करना चाहते हैं आप मुझे नहीं मालूम, बट डील विद दिस वर्ड, मैं ऐसा कहूंगा। हम पादरी लोग बहुत एक्सपर्ट है, आइए हाथ उठाएं, आंख बंद करें, फिजिकल एक्सरसाइज आपसे करवाते हैं, लेकिन आप खुद कुछ करिए इस वचन को लेकर। क्या करेंगे आप इस वचन को लेकर? प्रभु ने आपसे मुझसे आज रात को बात किया, ऐसा मैं कहता हूँ। बड़ी बातों को वो हमें देना चाहता है, असंभव को संभव वो करवाना चाहता है, वो हमें आज्ञाओं की पट्टियां देना चाहता है, दिशा देना चाहता है, दरवाजों को जो वो बंद कर रहा है उसको बताना चाहता है, और जो खोल रहा है उसको बताना चाहता है, आने वाली बातों को वो प्रकट करना चाहता है, अपने दिल की बातों को आपको खोलकर वो बताना चाहता है। क्योंकि यीशु कहता है मैंने तुम्हें दास नहीं, मैंने तुम्हें मित्र कहा है, और मित्र अपने मित्र से जो वो करना चाहता है उन्हें वो खोलकर बताता है, नौकर से नहीं कहता लेकिन अपने मित्र से वो कहता है। टू बी द फ्रेंड ऑफ गॉड एंड टू बी इन द कंपनी of God himself, परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की दोस्ती, परमेश्वर की करीबी, और उसके अंदर से बाकी सारे काम होने पाए।